चाल तो सुबह बात कर रही हूँ मैं सीएल कुंडली भाग्य की। कुंडली भाग्य में मजेदार दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप ये चैनल में नए हो तो झटपट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड कमेंट कर दो। तो दोस्तों कुंडली भाग्य में मजेदार दिखाते हैं और हाई वोल्टेज में बहुत चल रहा होता है कि जहाँ एकदम प्रीता अपने बेटे यानी कि शौर्य पे हुक्म चला रही होती है और बोलती है कि तुम्हें राजवीर को निकलवाना ही पड़ेगा इस झूठे केस से, वही इधर शौर्य भी को थप्पड़ भी मार देती है, लेकिन शौर्य मानता नहीं और वो निधि के हुक्म पे चलता रहता है। अब इधर निधि एक प्रपोजल लाती है अंशुमन पांडे के सामने, जहाँ एकदम इधर दिखाते हैं कि कैफे में बुलाती है निधि अंशुमन पांडे को और बोलती है कि तुम्हारा एक दुश्मन है और मेरा भी सेम दुश्मन है, क्यों ना हम लोग हाथ मिला ले और एक दुश्मन को खत्म करने के लिए लग जाए। यानी कि इधर अंशुमन पांडे पूछते हैं कि तुम्हारा दुश्मन कौन है आखिर, तो वही इधर निधि बोलती है कि मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है, प्रीता। और प्रीता को खत्म करने के लिए, जड़ से मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी जिंदगी से भगाने के लिए। वही दोस्तों देखने में मजेदार होने वाला है कि इस बार करण भी एक्सपोज करेगा शौर्य को, और इधर ये भी है कि क्या प्रीता को पता चलेगा सारी बात, यानी कि शौर्य और वो सब सबकी याद आएगी और शौर्य को ये भी पता चलेगा कि राजवीर है उसका असली भाई और प्रीता है उसकी माँ। वही दोस्तों ये भी देखने में मजेदार होगा कि निधि और अंशुमन का चाल यानी कि जो प्लान है प्रीता को मारने का वो होगा सक्सेसफुल, या इसमें दोनों बेटे और मतलब राजवीर और शौर्य और करण मिलके बचाएंगे प्रीता को और लाएंगे वापस लूथरा मेंशन। सो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और आगे की अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। जब तक के लिए थैंक यू।